बैक टू माई YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा डिनर है वो है वाइट पुलाव। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ जो कि मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। और मुझे तो वाइट पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर हम मेरे घर में जो है वो वाइट पुलाव ही बनता है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो भी चावल शौक से खाते हैं और मैं भी चावल शौक से खाती हूँ। हमारे घर में रोटी जो है वो बहुत कम बनती है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वाइट पुलाव मैं कैसे बनाती हूँ। ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी है। तो वाइट पुलाव के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगी तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। लेट्स गेट स्टार्ट। पुलाव बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो हैं चावल, गोश्त, आलू। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने एक अदद टमाटर लिया है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि ये आप कब ऐड करेंगे। यहाँ मैंने दही ली है, ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, धनिया पुदीना जो कि मैंने अच्छी तरह से धो के रखा है। और यहाँ जो मसाले चाहिए होंगे वो हैं कुटा हुआ धनिया, चाइनीज़ नमक, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, 4 से 5 अदद बादियाने के फूल, ज़ीरा, 4 से 5 गोल मिर्चें, दो अदद तेज पत्ते। और यहाँ मैंने लिए है जायफल और जवंतरी। हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी क्योंकि वाइट पुलाव में जो है वो ये चीज़ें ऐड होंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये चीज़ें किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनाते हैं। गैस पर रख दिया है पतीला, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद मैंने इसमें प्याज जो है वो ऐड कर दी थी। जब तक प्याज यहाँ हल्की सी लाइट ब्राउन होती है तब तक मैं चावल वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि चावल भी हमें भिगोने हैं तो मैं चावल धो लेती हूँ। ये प्याज लाइट ब्राउन हो गई थी तो बस यहाँ जो मैं मसाले ऐड करूँगी, जो मैंने साबुत गर्म मसाला और खड़े मसाले जो मैंने निकाले थे वो मैं इस यहाँ पर ऐड कर दूँगी, क्योंकि प्याज में हमें उन मसालों को भी जो है थोड़ा सा फ्राई करना है। तो मैंने मसाले जो थे वो ऐड कर दिए थे, ज़ीरा, गरम मसाला, बादियान के फूल और ये सब मसाले जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमें प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो बस इसी सिचुएशन में मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी, क्योंकि वाइट पुलाव है, प्याज अगर डार्क ब्राउन हो जाएगी तो कलर चेंज हो जाएगा पुलाव का। बस यहाँ जो है मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे हम। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और दूसरे हाथ से खाना बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। तब यहाँ से हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी रंगत आ गई है। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी और जो दही मैंने रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसमें आलू ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मुझे पुलाव में आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं तो ज़रूर ऐड करती हूँ। दही ऐड कर रही हूँ। मिर्चें डाल दूंगी जो मैंने कट करके रखी थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब मैं इसके अंदर जो मसाले थे, कुटी हुई मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, वो मैं इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स करके हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक तब तक गोश्त और आलू गल ना जाए। इसके अंदर बाकी के जो मसाले मेरे रह गए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, कुटी हुई मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, तेज पत्ते, चाइनीज़ नमक। यहाँ बस इसको इस तरह से मिक्स करके मैं इसे हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये पक रहा है, जब तक के लिए आप वेट करें। पर पक गया था, गोश्त भी गल गया था और आलू भी जो है वो पक गए थे। तो बस यहाँ मैं चावल वगैरह इसमें ऐड करूँगी। पानी जो है इसमें ऐड कर दिया था। अब मैं इसमें जो गोल मिर्चें थी वो ऐड करूंगी और टमाटर थे वो मैं
इसमें ऐड करूँगी अब, क्योंकि टमाटर जो है वो मैं एंड में ऐड करती हूँ, क्योंकि अक्सर हम बाहर की बिरयानी खाते हैं तो उसमें टमाटर जो हैं वो साबुत साबुत होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे इस तरह टमाटर पुलाव में बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं इसी तरह ऐड करती हूँ टमाटर। ये देखिए आप, बस अब मैं इसमें चावल वगैरह ऐड करूँगी और जायफल जावित्री जो मैंने रखी थी वो मैं इसमें पीस के ऐड कर दूँगी। फिर मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे, धनिया पुदीना टमाटर जायफल जावित्री, पानी भी ऐड कर दिया था और मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं। बस अब मैं इसे पकने दूँगी और इसे हल्की आंच पर दम पर रख दूँगी। जब पक जाएंगे तो मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो है पुलाव रेडी हो चुका था, ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा पुलाव बन के रेडी हुआ है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख तो बस अब मैं खाना एंजॉय करूँगी अपना। जो था वो मेरा रेडी हो चुका है और मैं यहाँ खा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है खाने में। इसके साथ जो है मैंने प्याज काट लिए थे, क्योंकि पुलाव के साथ अगर प्याज ना हो तो मज़ा नहीं आता मुझे। और यहाँ मैंने रायता भी बना लिया था, ये अचार है। और यहाँ मैं अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जो थे वो लेट आएंगे, तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैंने सिर्फ नाश्ता ही किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था तो मुझे भूख लग रही थी, तो बस मैंने खाना एंजॉय करती हूँ अपना। और खाना खाते वक्त अगर कोई मूवी ना हो तो बस यहाँ मैंने मूवी लगाऊंगी और अपना डिनर जो है वो मैं एंजॉय करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये रेसिपी आप अपने घर में भी ट्राई करें, बहुत मज़े का पुलाव बनता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह हाफिज़।